दोस्तों, यदि 1 दिसंबर के बाद यदि आप भी नया सिम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। सिम लेने से पहले यदि आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ ही नहीं, सिम को परचेज करने वाले यानी खरीदने वाले और सिम को बेचने वाले के ऊपर, दोनों के ऊपर यह नियम सख्त लागू किया गया है। और यदि आप सिम बेचना चाहते हैं, यदि आप डीलर हैं या तो आपके पास दुकान है, आप सिम को बेचना चाहते हैं और जो बंदा सिम को परचेस यदि खरीदना चाहता है, तो उन दोनों के लिए यह वीडियो खास कर है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए उस नियम के बारे में हम बात कर लेते हैं और इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिनर का मैं बात करूंगा कि यदि आप डिनर सिम लिए हुए हैं तो यदि आप किसी भी सिम को आप किसी भी कस्टमर को बेचते हैं तो उस सिम के लिए आपको चालू करने के लिए आपको उसका आधार कार्ड जो है आपको लेना अनिवार्य है। स्कैनिंग करने के लिए आपके पास डिवाइस होना चाहिए जिससे कि आप आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट आप ले सकें और वहां पे आप भी कर सकते हैं। वो सारा चीज होगा तभी आप डीलरशिप ले सकते हैं। और यदि आप फ्री में कहीं से फर्जी सिम चालू करवा के यदि आप डीलरशिप अपने पास रखना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। और ऐसा यदि आप पाए जाते हैं तो आपके लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी आपके ऊपर, और आपके ऊपर 10 लाख के जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो यदि आप डीलरशिप लेना चाहते हैं और सिम को बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डिवाइस होना चाहिए, स्कैनिंग डिवाइस होना चाहिए, और आधार कार्ड को आप स्कैन कर सके और उसका आईडी प्रूफ जो भी कुछ है उसको आप सही ढंग से सत्यापन करने के बाद ही आप सिम को चालू कर सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसके बाद आता है कि ऐसा आपके ऊपर एक्शन क्यों लिया जाएगा। तो ऐसा इसलिए कि फ्रॉड कार्ड स्कैम बहुत सारे फर्जी कार्ड लोगों के ऊपर आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि इनको कम से कम किया जाए। तो यदि आप डीलर हैं तो आप फर्जी सिम नहीं बेचेंगे तो फ्रॉड होने का बहुत कम चांस हो जाता है। इससे आप बच सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, इसीलिए आप पे नकेल कसा जा रहा है। ग्राहक है, यदि आप फर्जी सिम लेना चाहेंगे तो आपको कदापि नहीं मिल सकता। और यदि आप फर्जी सिम लेने के बाद यदि आप पकड़ जाते हैं, यदि आपके नाम के ऊपर सिम नहीं है या तो आपके फैमिली मेंबर के किसी भी व्यक्ति के नाम पे यदि सिम है तो आप चला सकते हैं, अन्यथा आप किसी फर्जी सिम यानी किसी भी फर्जी रजिस्ट्रेशन यदि आपने करवाया है, सत्यापन करवाया है, तो उस सिम को आप नहीं चला सकते हैं। और यदि ऐसे आप करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है और आपके 3 महीने का जेल भी आपको हो सकता है। और इसी के साथ यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस चीज़ को सिम लेने से पहले आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और कोई भी सिम लेने से पहले आप आधार कार्ड ले के जाइए और ओनली आप अपने आधार कार्ड से ही सिम को लीजिए। और उस सिम को यदि आपको उपयोग में नहीं है तो आप उसको बंद करा सकते हैं, और बंद कराने के बाद सिम को तोड़ के आप फेंक सकते हैं। लेकिन आपको सिम चालू करके आपको कहीं घुमाना भुलवाना नहीं है। ऐसा करते हैं तो आपको इसका भारी नुकसान हो सकता है आपके ऊपर। तो इन चीज़ों को आपको सिम में जरूर ध्यान देना होगा। तो फर्जी सिम से आप बचिए और जो भी कुछ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अपना लगा के ओरिजिनल वेरिफिकेशन करवाइए और सिम आप प्राप्त कीजिए। लेटेस्ट जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। थैंक यू।